बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम आप टाइटल से देख चुके हैं जी, चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमने सारा चैप्टर डिस्कस कर लिया है जी, उम्मीद है कि आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा और सीखा होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले चले हेडिंग दे देते हैं जी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 एक्सरसाइज एमसीक्यूज, और ये फिजिक्स 1 है जी। ठीक है, फिजिक्स फर्स्ट ईयर की। अच्छा, पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ द वॉच एट 5 PM। तो आपको एंगल चाहिए रेडियंस में, कब, जब आपकी घड़ी में 5 बज रहे हो, तो उन दो जो सुइया हैं वो उनके बीच क्या एंगल होगा। तो 5 जब बजते हैं तो ये होता है जी 12 पर इस तरह, और 5 तकरीबन होता है इधर, तो इसका मतलब है कि ये एंगल आपसे पूछ रहा है, मैं इसको नाम देता हूं थीटा। ठीक है जी, तो किस तरह करते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी कि होता है 2π रेडियंस इज इक्वल टू, चले मैं लिखता हूं, या चले रेडियंस को पहले छोड़े, आप लिख के पहले कि जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो होता है 360 डिग्रीज का। कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज होता है कि नहीं होता, और इसका मतलब 12 आवर्स में ही होता है, तो इसका मतलब 12 आवर्स पूरा एंगल कितना बनाता है, 360 बनाता है, जिसका मतलब एक आवर कितना एंगल बनाएगा, 360 को डिवाइड करेंगे जी 12 पर, तो कितना आता है, मेरे ख्याल में 30 आता है, बिल्कुल। तो एक घंटा 30 डिग्रीज का एंगल बनाएगा, इसका मतलब अगर ये 12 बजे है, अगर ये 12 का वो है और 1 बज गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्रीज है, तो फिर 5 घंटे कितना एंगल बनाएंगे, 5 आवर्स, तो दोनों साइड पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 करें डायरेक्टली, तो दिस इज इक्वल टू 150 डिग्रीज बनाएगा। लेकिन आपसे तो रेडियन में पूछा है, तो डिग्री में थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैंने पहले डिग्री में किया। तो आपको यह भी पता है कि 2π रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, या फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, पर 2 को मैंने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, या फिर n डिग्रीज इज इक्वल टू n पाई बाय 180 रेडियंस, तो मुझे 150 डिग्रीज चाहिए, तो इसका मतलब 150 डिग्रीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड पर, पाई अपॉन 180 रेडियंस मुझे मिलेगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो मुझे आएगा 150 डिग्रीज इज 2.6 समथिंग रेडियंस, 2.61799 समथिंग आ रहा है, 2.61799, जिसको अगर मैं राउंड ऑफ करता हूं तो लेट्स से 2.6 रेडियंस में लिखता हूं। अब इधर कौन सा ऑप्शन है, इधर 2.6 रेडियन का ऑप्शन नहीं है, तो अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन होता तो तब आप नन ऑफ दिस क्लिक करते, लेकिन इधर है 3 रेडियन का ऑप्शन मौजूद है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो इसको मैं 3 रेडियंस राउंड ऑफ कर दूंगा ना, तो फिर 3 रेडियन सही है जी, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कहता है डिग्री और रेडियन का, तो ये मैंने आपको बता दिया जी, नंबर 2, 1 डिग्रीज इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस पूछ रहा है, तो ये इतने रेडियंस होते हैं, तो पाई को जरा 180 पे डिवाइड करें, क्या आता है, पाई को 180 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा जी 0.01745, और इतने ही रेडियंस हैं, यही इसका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं द मीट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0 point, और फिर उसके बाद है जी 5 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 1, तो इसके लिए प्रीफिक्स मुझसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो प्रीफिक्स कब होता है जी, साइंटिफिक नोटेशन में होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, इसका मतलब मैं डेसिमल प्लेस को नॉन जीरो के राइट पर लेकर आऊंगा, तो देखिए जब मैं राइट पर डेसिमल पॉइंट को लेकर जाता हूं तो मेरा जो 10 की पावर है वो पीछे जाती है, यानी कि
नेगेटिव होती है। तो देखें, मैं एक यूनिट आऊंगा तो 10 टू द पावर नेगेटिव 1, 10 टू द पावर नेगेटिव 2, 10 टू द पावर नेगेटिव 3, 10 टू द पावर नेगेटिव 4, नेगेटिव 5, और इधर लाऊंगा तो नेगेटिव 6। तो 1 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 6, और इसको मैं डायरेक्टली 10 टू द पावर नेगेटिव 6 लिख सकता हूं, और ये है जी माइक्रो का प्रीफिक्स, और माइक्रो इसमें ऑप्शन बी है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। चले फोर्थ नंबर के क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। तो पहला वाला जो आपको गिवन है दैट इज 71 न्यूटन, तो एन कैपिटल से स्मॉल शुरू हो रहा है तो गलत है। अगर आप फुल नेम ऑफ द यूनिट लिखते हैं तो आपका स्टार्टिंग स्मॉल होना चाहिए। दूसरा आपको गिवन है 12 मिली माइक्रो सेकेंड, तो इसका मतलब है कंपाउंड प्रीफिक्स इज यूज, कंपाउंड प्रीफिक्स आप यूज नहीं कर सकते। 8 किलोग्राम्स तीसरा ऑप्शन है, 8 किलोग्राम्स, लेकिन उसका जो के है वो कैपिटल है। अगर आप के जो है किलो का के स्मॉल होता है, कैपिटल के केल्विन के लिए यूज होता है, गलत है अगेन। 43 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर्ड, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि दो यूनिट्स हैं, उनके दरमियान स्पेस भी है, मीटर स्क्वायर भी सही है, किलोग्राम भी सही है, तो डी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। नंबर 5 देखें, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस सेवरल टाइम्स, द रीडिंग लाई बिटवीन 49.8 सेंटीमीटर, रीडिंग जो है वो लाई करता है बिटवीन 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर। तो बताएं कि इनमें से वो कौन सी रीडिंग जो है आप द विच इज द बेस्ट रिकॉर्डेड मेजरमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। 49.8 आपको लिखा हुआ है, 49.8 प्लस माइनस 0.2, तो कह रहा है क्या ये सही है कि नहीं। तो आप किस तरह चेक करेंगे, देखें अनसर्टेनिटीज को ऐड करें, पहले 49.8 प्लस 0.2 चेक करें और 49.8 माइनस 0.2 चेक करें, तो क्या आता है इससे, इससे आएगा 50.0 आएगा ना, चलिए जो भी आता है 50.0 आएगा इससे, और इससे 49. जो भी आता है, हाँ 50.0 आएगा ना, चलिए 50.0, और इससे चले लेट से 49.6 आता है। तो देखिए आपको तो कहा है कि इन दोनों के बीच है, तो ये गलत है। ठीक है, अब सही ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज व्हाट, दैट इज 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर आप इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम को जाते हैं तो 50 प्लस 0.2 लिखते हैं विच इज 50.2, और अगर आप लेसर एक्सट्रीम को जाते हैं तो 50 माइनस 0.2 विच इज 49.8। तो मैंने आपको अनसर्टेनिटी और एरर में एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो एक्चुअल रिकॉर्डेड वैल्यू है, एक्चुअल जो वैल्यू है वो आपने रिकॉर्ड की है, ये वाली है, ये वाली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी एक्चुअल वैल्यू इन दोनों के बीच लाई कर रही है और वो आपको इसमें गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है जी। सिक्स देखे क्या कहता है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.76 प्लस माइनस 0.25 meters, इसमें आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है द अनसर्टेनिटी अपॉन द मेजर्ड वैल्यू, अनसर्टेनिटी आपको गिवन है 0.25 और डिवाइड करें इसको मेजर्ड वैल्यू 3.76 के साथ, तो क्या आता है जी 0.066 आता है। और फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 100% परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो 6.6% जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी है। समझ आ गई, बिल्कुल आ गई। सेवेंथ नंबर क्या कहता है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर, सो T1 आपको गिवन है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 आपको गिवन है 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपसे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मांग रहा है। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप करें जी
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 50 माइनस 20 से 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अब अनसर्टेनिटीज क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था अगर फिजिकल क्वांटिटीज आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, अनसर्टेनिटीज आप ऐड करेंगे, तो इसका मतलब जो अनसर्टेनिटी होगी टेम्परेचर में वो होगी 0.5 + 0.5 विच इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 30 + - 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रेट, बिल्कुल सही है, और ये इसमें ऑप्शन नंबर सी है। नीचे जगह है कि नहीं है, चले कर तो सकते हैं, कर लेते हैं ना, एट्थ कर लेते हैं थोड़ा सा। एट्थ है जी 5.0 मीटर + -4%, 5.0 मीटर प्लस माइनस 4%, और दूसरा है मल्टीप्लाइड बाय 3.0 + -3.3%। तो इससे क्या आएगा जी, मल्टीप्लीकेशन है तो आपने फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है, 5, 3 और 15, तो इससे आ जाएगा 15.0 और मीटर्स, ठीक है, और प्लस माइनस क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आप ऐड करते हैं जब आप फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस 7.7%, और ये इसमें ऑप्शन है 7.3%, सॉरी ऑप्शन बी 7.3%, और ये है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा नाइन्थ देखे क्या कहता है, नाइन्थ कहता है कि 2.0 मीटर + -2.0%, और इस पे होल क्यूब है, तो इसके साथ क्या होगा जी, तो फिजिकल क्वांटिटी पे क्यूब है, आप ले ले क्या आता है, 2 × 4 = 8 मीटर क्यूब आ जाएगा, और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी उसमें कितनी होगी, तो पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 3 × 2%, तो ये आ जाएगा जी 6% की इसमें अनसर्टेनिटी होगी, और ये है ऑप्शन नंबर डी इसमें, 0.0 दोनों में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर, तो 0.007086000 सेंटीमीटर, ये एक रीडिंग है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो देखें आपको मैंने बताया था 0 to the left सिग्निफिकेंट नहीं है, चाहे डेसिमल है या नहीं है, ठीक है, 0 in between हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, राइट वाले डिपेंड करता है लिस्ट काउंट के ऊपर, लेकिन अगर डेसिमल हो तब राइट वाले सिग्निफिकेंट है, तो देखें इसमें लेफ्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दरमियान वाला भी है और राइट वाला भी है, क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, और ये ऑप्शन नंबर सी है जी, ऑप्शन नंबर सी। 11th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 11th क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 1.25 + 1.362, और इसके रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो देखे पहले तो आप ऐड करें 2, 6, 5.62। अब देखे एडिशन आप किस में देखते हैं जी, प्रिसीजन में देखते हैं, जो लीस्ट प्रिसाइज होगा लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेस होंगे, इसमें 1 decimal place है, इसमें 3 है, तो फाइनल रिजल्ट में 1 होनी चाहिए, इसका मतलब 62 को मैंने ड्रॉप करना है, ये ग्रेटर देन 50 है, तो लास्ट वाले को प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 26.6, और अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है जी, बिल्कुल। नंबर 12 है जी, अगेन इसी तरह का है, 1.513, चले इधर ही लिख लेते हैं, 1.513 प्लस किधर है जी 27.3, और इसको भी कंप्यूट करना है टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ऐड करें पहले 318.82, अच्छा तो इसमें 1 decimal place है, फाइनल में भी 1 decimal place होना चाहिए, 13 को आपने ड्रॉप करना है, ये लेस देन 50 है जी, डायरेक्टली ड्रॉप करें, ये अनचेंज्ड होगा, 28.8 ही इसका आंसर होगा, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 28.8 आपसे मांग रहे जी, ऑप्शन नंबर बी जो है। 13 नंबर क्वेश्चन, 7.635 and 4.81
4.81 are two significant numbers, their multiplication results in. तो यार खुद करें ना, अब मैं इससे इतना ज्यादा टाइम जब लूंगा तो क्या आता है जी इसकी मल्टीप्लीकेशन से, जरा कैलकुलेटर से डायरेक्टली करें तो 36.72435 आता है जब आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, करते हैं खुद हाथ से इस तरह करते हैं, ठीक है इधर टाइम लेगा। तो अब इसको प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने कहा था वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, लीस्ट एक्यूरेट तक हम जाएंगे, और एक्यूरेसी होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, जितनी कम होगी। इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें चार हैं, हम फाइनल आंसर में तीन हमें चाहिए, सेवन हमने रिटेन करना है, इसको ड्रॉप करना है। देखिए क्या ये लेस देन 5000 है कि नहीं, ये बिल्कुल है, इसको डायरेक्टली ड्रॉप करें, ये अनचेंज होगा, 36.7 इसका सही ऑप्शन है, और वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट इज, प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट 385000 किलोमीटर इज। तो बेसिकली आपसे लीस्ट काउंट पूछ रहा है, तो ऑप्शंस आपको क्यों है। अब देखिए मैंने आपको ये रूल समझाया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे अगर आपको लिस्ट काउंट मेंशन है, ठीक है अच्छा, और फिर वो आपको साइंटिफिक नोटेशन भी समझाया था, बिल्कुल आपको याद होगा। अब अगर मैं कहता हूं कि इसका लिस्ट काउंट 1 किलोमीटर है, तो देखिए ये जो है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा, ये इंक्लूड होगा फिर भी, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब फिर अगर मैं लीस्ट काउंट को 10 किलोमीटर करता हूं, तो इसका मतलब ये आपका फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। अगर 100 किलोमीटर होता है लीस्ट काउंट, तो इसका मतलब ये 0 फर्स्ट डाउटफुल है, 2 इंक्लूड नहीं होंगे, 4 इसमें सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर 1000 किलोमीटर होता है, इसका मतलब ये 5 जो है फर्स्ट डाउटफुल होगा, तो इंक्लूड होगा, बाकी 3 जीरोज इंक्लूड नहीं होंगे, तो इसका मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और आप इस डेटा में देखें तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, क्यों, क्योंकि जीरोस टू द राइट आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ यू डोंट हैव अ डेसिमल पॉइंट। तो इसका मतलब इसका जो प्रिसीजन है या लिस्ट काउंट है वो 1000 किलोमीटर है, समझ आई, बिल्कुल आई। 15 नंबर क्वेश्चन है M0L0T0 किस चीज की डायमेंशन है, M0L0T0 किस चीज की डायमेंशन है। तो ये देखिए ये बेसिकली हमें शो कर रहा है कि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1। अब ऑप्शंस आपको गिवन है जी, नंबर फर्स्ट स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है द चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो ये भी डायमेंशनलेस है, क्यों, क्योंकि 1 दे रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मेरे ख्याल में ये एक साइन को क्या कहते हैं, ईटा कहते हैं, क्यों कहते हैं, जो भी है यार, ये होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पोटेंशियल एनी गिवन मीडियम। तो दोनों स्पीड्स है जी, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, यही डायमेंशन इसका भी है। फिर सी है जी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था, इमेज साइज लेट्स से क्यू है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेट्स से पी है, तो दोनों डिस्टेंसेस है, अगेन ये डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हैव द सेम दिस डायमेंशन, M0L0T0 ऑप्शन नंबर डी है इसमें। लास्ट 16 क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ टॉर्क, अच्छा टॉर्क की डायमेंशन मुझसे पूछी है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, आर क्रॉस एफ में लिखता हूं, तो फोर्स की तो डायमेंशन आपको पता है ना न्यूटन मीटर से, ये अगर आर अगर मीटर है और फोर्स अगर न्यूटन मीटर है, और न्यूटन क्या है फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड है कि जो भी है यार, फोर्स की डायमेंशन आपको कम से कम याद होनी चाहिए, जो होती है MLT^-2 होती है कि नहीं होती, और फिर मल्टीप्लाई करें इसको एक और एल के साथ जो कि इधर आर वाला है, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी जी ML^2 जो इधर ऑप्शन नंबर सी है, इधर ऑप्शन नंबर सी है। ये हो गए जी आपके बुक के MCQs, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया,
चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं जहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।